हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे बेसन की पापड़ी नमकीन। जैसा कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और घर में मेहमान आते जाते रहते हैं, तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक और यह नई रेसिपी। इसको आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इससे पहले हमने काजू नमक पारे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बेसन की पापड़ी बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक मिक्सिंग जार और इसमें डालूंगी आधा कप ऑयल। इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी आधा कप पानी। जितना हमने ऑयल लिया है उतना ही हमें पानी लेना है। अब इसको मिक्सी में चलाकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब मैं सबसे पहले लूंगी एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डालूंगी बेसन। ये मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ। बेसन को मैंने अच्छे से छान कर लिया है। अब इसी में डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक और साथ में डालूंगी अजवाइन 1/2 टीस्पून। अजवाइन को हम इस तरह से हाथों पे लेके थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। अब इन सभी को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन और नमक मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी ये पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था। बहुत सारा हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इसको मिलाती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम डालते जा रहे हैं। अगर एक साथ हम इसको डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाती हैं। ये देखिए सारा पेस्ट मैंने इसमें मिला दिया है। अब हाथों से हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, हाथों पर चिपकता है, लेकिन हमको इसको हाथों से ही मथना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। ये 1/4 का भी आधा मैंने लिया है। ये खाने वाला सोडा है। इसको भी हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे बेसन में बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये एकदम रेडी है। अब हाथों से मैं बेसन को छुड़ा लेती हूँ और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी हमें सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा छिड़कना है और इसको लगभग 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक डो सेट होता है हम नमकीन की मशीन की तैयारी कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने इस तरह की मशीन का यूज़ किया है। सबसे पहले इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये देखिए ब्रश से मैं इसको चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। ये देखिए इसमें चारों तरफ अच्छे से ऑयल लग गया है। इसी के साथ मैं लूँगी इस तरह की नोजल। इसको भी मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। अब इस तरह से मशीन को हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए रेडी है। अब हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए डो थोड़ा थोड़ा फूल गया है। ये थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा डालना है। पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको स्मूथ बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। ये एकदम रेडी है। ये इतना थिक हमें चाहिए होगा। अब हम लेंगे ये मशीन और इसमें ये बेसन का घोल डाल लेते हैं। इस तरह से मैंने भर लिया है और इसको अब हम पैक कर लेते हैं। ये रेडी हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और नमकीन हम तल लेते हैं। बेसन की पापड़ी नमकीन बनाने के लिए तेल को मैंने गैस पे रख दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब मशीन को इस तरह से दबाते हुए नमकीन को हम कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए इसको मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल रही हूँ। एक के ऊपर एक हमें नहीं डालना है, इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही डालना है। एक बार में कढ़ाई में जितनी आएगी हमें उतना ही डालना है।
गैस की फ्लेम को हम तेज नहीं रखेंगे, लो टू मीडियम ही रखेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसको तलेंगे। ये थोड़ी सी तल जाएगी, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए थोड़ी थोड़ी तल गई है, अब इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं तलना होता है, थोड़ा सा ही इसको हमें तलना होता है। इसको तलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से तल गई है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छी ये दिख रही है। बाकी बची हुई पापड़ी नमकीन को भी हम इसी तरह तल कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सभी पापड़ी नमकीन को तलकर मैंने तैयार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी ये बनी है, बहुत ही आसानी से ये टूट रही है। ये देखिए कितना अच्छा इसका क्रिस्प आया है। इसी के साथ बेसन की पापड़ी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।